नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर थाना कोतवाली में तैनात दरोगा पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप। आपको बता दें, 1 फरवरी 2024 को डफरन उर्सला अस्पताल अपनी मासूम बच्चियों को इलाज के लिए पत्रकार के बेटा आकिल हुसैन इलाज के लिए गया था। पीड़ित अपनी बाइक खड़ी कर रहा था, उसी समय अवैध रूप से चल रहे स्टैंड संचालक उसके गुर्गों ने 20 रुपए मांगे। पत्रकार के बेटे ने कहा कि बच्चों को दिखाकर आ रहा हूं, जिस पर स्टैंड संचालक ने गालियां दी। पत्रकार के बेटे ने मोबाइल पर वीडियो बनाने लगा, जिस पर उपरोक्त आरोपियों ने जान से मार देने की धमकी दी। पत्रकार के बेटे ने संबंधित थाना पुलिस से शिकायत किया और अधिकारियों को पोर्टल ट्विटर ईमेल के माध्यम से शिकायत की। थाना कोतवाली में तैनात दरोगा क्षेत्रीय चौकी प्रभारी ने IGRS पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रमित किया। फर्जी लगाई गई रिपोर्ट में दरोगा ने घटना की तिथि 2 फरवरी 2024 दर्शाया है, जबकि घटना की तिथि 1 फरवरी 2024 है, जो कि अस्पताल की ऑनलाइन पर्चे पर तिथि अंकित है। उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर ने प्रदेश की मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ADG कानून एवं व्यवस्था, ADG स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को शिकायती पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की जांच किसी IPS अधिकारी से कराने, घटित घटना की FIR दर्ज कराकर आरोपियों की गिरफ्तार करने तथा फर्जी रिपोर्ट देकर अधिकारियों को भ्रमित करने वाले दरोगा को दंडित करने की मांग की है। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। आपका देखिए, मेरा नाम हामिद हुसैन है, हम पेशे से पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज 28 के यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हैं। मेरा बेटा आकिल हुसैन बीते दिनों 1 फरवरी 2024 को मासूम बच्चियों को दिखाने उर्सला हॉस्पिटल डॉक्टरेट गया था। वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रहा था कि अवैध रूप से स्टैंड संचालक, जो वहाँ पे स्टैंड चला रहे हैं, जिसका विवाद भी अस्पताल वालों से आ, जिससे भी माननीय न्यायालय में है, उन्होंने कहा कि भाई 20 रुपए दो। इसने कहा मैं दिखा के आ रहा हूँ, दे रहा हूँ, तबीयत बच्चों की ज़्यादा ख़राब है। स्टैंड संचालक उसके साथियों ने गाली गलौज शुरू कर दिया देना, तो इसने अपना वीडियो निकाला और वीडियो बनाने लगा। इसके बाद उन्होंने झपट्टा मारा, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके गाली गलौज किया जा रहा है। उसके बाद खैर दिखाने चला गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा तू आएगा तो मैं जान से मार दूंगा। इसने थाना कोतवाली पुलिस से शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आकिल हुसैन ने पोर्टल पे, ट्विटर पे ईमेल करके अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर थाना कोतवाली पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर ने दरोगा चौकी इंचार्ज पवन कुमार दुबे को जांच दी गई। दरोगा जी ने क्या किया कि स्टैंड संचालक से सांठगांठ आरोपियों से कर लिया और सांठगांठ करने के बाद घटना की उन्होंने तिथि बदल दी। 1 फरवरी 2024 को घटित घटना को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2 फरवरी 2024 लिखा। ये कहा कई बार बुलाया गया लेकिन आया नहीं। एक बार दरोगा जी ने फोन किया था तो मेरे बेटे ने कहा गाड़ी में चलाने के लिए बाहर निकला आया हूँ, एक दो दिन में आपसे मुलाकात कर लूँगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उधर सिटिंग गेटिंग का खेल करके अब मामले को रफा दफा कर दिया। हम ये चाहते हैं कि उपरोक्त प्रकरण की विधिवत माननीय प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी नाथ जी से, DGP साहब से और पुलिस कमिश्नर साहब से अनुरोध है मेरा कि किसी IPS अधिकारी से जांच कराए, जिससे आरोपियों के विरुद्ध और आरोपियों सांठगांठ रखने वाले
चौकी इंचार्ज पवन कुमार दुबे के विरुद्ध कार्रवाई हो सके, क्योंकि माननीय योगी जी ने अवैध स्टैंड संचालकों के खिलाफ पहले ही कहा था कि इनकी विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम घटनाएं हो रही हैं और आज भी घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घूसखोर हैं, उनकी वजह से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसे घूसखोर, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे स्टैंड संचालक हो, जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरी यही मांग है।